अलैकुम, मैं इट्स मी मोहम्मद बकार, ओटी डिपार्टमेंट। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये आपके एलएमएस के अकाउंट के बारे में है। एलएमएस या मोडल अकाउंट एक ही चीज़ है। स्पेशली ये जो स्टूडेंट है जिनका रिसेंटली एडमिशन हुआ है, उनको टीचर कहेंगे कि आप एलएमएस को यूज़ करें और वहाँ पे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे आपको गाइड करूँगा कि आपने सबसे पहले एलएमएस को लॉगिन कैसे करना है। जो आपको आईटी स्लिप प्रोवाइड की गई है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो एलएमएस वाला या मॉडल कहीं पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होगा। आपने सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन करनी है जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, sktlms.umt.edu.pk। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम, जो वहाँ पे आपकी आईटी स्लिप के अंदर यूजर नेम पासवर्ड लिखा हुआ है, वो आपने एंटर करना है। लेट्स सपोज मेरे पास एक यूजर नेम है। ये मैंने एक यूजर नेम एंटर कर दिया, अब मैं इसको मैं पासवर्ड एंटर करूंगा। तो इस तरह ये जो एलएमएस का अकाउंट है आपके पास लॉगिन होके इस तरह शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसमें देखना है कि आपने अभी आपका यहाँ पे नेम वगैरह शो हो रहा होगा, राइट टॉप कॉर्नर पे आपका नेम वगैरह शो हो रहा होगा, लेकिन इसके अलावा आपका कोई चीज़ आपको शो नहीं हो रही होगी। तो आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने सर्च कोर्सेज, ये जो पहला ऑप्शन है जो फ्रंट पे ऑप्शन है यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सर्च कोर्सेज, आपने इसको सर्च करना है। यहाँ पे आपका कोई भी कोर्स है, लेट्स सपोज किसी भी फील्ड का वो कोर्स है, आप सर्च भी कर सकते हैं और आप मैन्युअली भी यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं अपने कोर्स को। लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ स्प्रिंग 2023, उसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ कोई कोर्स मैं सर्च कर लेता हूँ, कोई भी कोर्स है, लेट्स सपोज किसी भी किस्म का कोर्स है। तो यहाँ पे कोर्स शो हो रहा है, जैसे कि ये एक कोर्स है। तो अगर आपने, लेट्स सपोज ये आपका कोर्स है, तो आपने फिर क्या करना है, इसको एक्सेस के बटन को प्रेस कर देना है। तो फिर वहाँ पे आपके असाइनमेंट, क्विज और डिफरेंट किस्म की चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, एलएमएस में आप डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाती है, कोर्स का मटेरियल मिल जाता है, आपने असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह अपलोड करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसकी डिटेल आपको फर्दर टीचर बता देगा कि आपने इसको जो है कैसे फर्दर यूज़ करना है, मतलब कि असाइनमेंट क्विज़ वगैरह आपने किस तरह अपलोड करने हैं। तो अगर आपको एलएमएस के अकाउंट में लॉगिन करने में कोई मसला आता है तो आपने आईटी डिपार्टमेंट विजिट करके वहाँ पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड ले लें और फिर आपको जो है वो एलएमएस का वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था आपका एलएमएस का अकाउंट। तो इस वीडियो में हम बस यही बताया है कि आपको एलएमएस लॉगिन कैसे करना है और इसको फर्स्ट टाइम कोर्स वगैरह कैसे एक्सेस करनी है आपको। होप यू फाइन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।